बात करेंगे राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्टर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जयपुर की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है, वन पाल वन रक्षक की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से वीडियो बात करेंगे। इसमें आपका ऑप्शन नोटिफिकेशन है, उसको मैं पढ़कर बताऊंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारे वन पाल और वन रक्षक की राजस्थान में जो वैकेंसी निकली उसके बारे में बात करते हैं। इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये इसका नोटिफिकेशन है, आपको देखने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइज नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 11/11/2020 को आया है। वन पाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, आपको क्रिकुट संख्या A12, वन पाल वन रक्षक। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, 73 14 वैकेंसी, 886 और 155 वैकेंसी हैं, और टू यहाँ पे कुल पद 87,141 पद हैं ये, ठीक है, वन रक्षक के। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समस्त जानकारी आपको अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट पर आप जाएं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है सही से पढ़कर लिखकर जो भी आपको ठीक से डिटेल को भरना है, ठीक है, उसके बाद आपकी कोई गलत सूचना अपूर्ण होती है उसके लिए आपको पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई गलत फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया रही, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, राज्य से निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र में माध्यम से भरा जा सकता है। तो आप इस फॉर्म को आपके ई जन सुविधा केंद्र से जाकर या कियोस्क से जाकर कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व SSO ID बना लें। तो आपकी SSO ID होती है जो कि जानते हैं, जो देखें www.sso-rajasthan-government.in पर आप जाके बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे या फिर हमारे चैनल पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको SSO ID बनानी होगी, किसे आपको पासवर्ड लॉगिन करेंगे उसके डैशबोर्ड पर, ऑन गई रिक्रूटमेंट पर, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खुलेगा, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी आ रही हो ये आप कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे तो आपको तकलीफ होती है तो आप उस पर या कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर भरवा सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जन सुविधा केंद्र पर जाने से पहले अपनी जानकारी एक बार चेक कर ले फ्रेंड, तो बहुत ही केयरफुली इस फॉर्म को भरें। परीक्षा शुल्क आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 रुपये, 350 रुपये, 250 रुपये आपके फॉर्म है, ठीक है, बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हो वन पाल एवं वन रक्षक की जो वैकेंसियाँ हैं आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में दे रखी है, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है, 36 आरक्षण देखा अनुसूचित क्षेत्र की 22 आपको दे रखी है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो संस्था में टूर्नामेंट चैंपियनशिप के नाम आ रहे हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो खिलाड़ी हैं वो भी इनका आप इससे लाभ ले सकते हैं वैकेंसी के लिए, ठीक है। विशेष योजना दे सकते हैं एसिड अटैक वालों के लिए है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश हैं, तो वो यहाँ पे आपके जो निर्देश है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। वेतन की बात करें, यहाँ पे आपको जो सरकार द्वारा हुआ पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है वन रक्षक के लिए, और यहाँ पे आपकी जो दे सकते हो वन पाल के लिए आपका लेवल 8 का है, वन रक्षक के लिए लेवल 4 का निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पात्रता आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें वन पाल के लिए, राज्यपाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी के होना चाहिए 10+2। वन रक्षक के लिए यहाँ पे देख सकते किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, देवनागरी हिंदी में का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर असामान्य, और जो सीनियर का देख करें 84 फैलाब आपको दे रखा है, और महिलाओं के लिए 179 फैलाब यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी जो जानकारी आ रही है ऊंचाई आ रही है पुरुष और महिलाओं के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते पुरुष के लिए 152
और जो देख सकते हैं तक यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। पुरुषों के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे पद चाल परीक्षण में दे सकते हैं, पुरुष महिला के लिए 25 आप दे सकते, 16 किमी 4 घंटे में दूरी के अंदर आपको पैदल तय करना है, एक शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। वन रक्षक के लिए दे सकते हैं, यह वनपाल के लिए था, ठीक है। वन आप जैसे सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, सेट आप सेट देख सकते हैं, 1 मिनट में 25 दोहरा क्रिकेट बॉल आप फेंक है 55 मीटर, ठीक है। इस तरीके से पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए देख सकते हैं, खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स, गोला फेंक 4.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है, शारीरिक दक्षता, यहाँ पे आपकी शारीरिक मापदंड परीक्षण केवल अर्हता क्वालिफाइड नेचर का होगा, ठीक है। राष्ट्रीयता के बारे में दे सकते हैं, भारत का नागरिक हो, ठीक है। बाकी आपको प्रोविजन देखने को मिल जाएगी। वनपाल के लिए दे सकते हैं 18 दे रखी है, जो कि 1 जनवरी 2021 से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको आयु में लाभ भी मिल जाएगा। वन रक्षक के लिए देख सकते 18 दे रखा है और 24 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 40 दे रखा है मैक्सिमम। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल है, आपको SC ST है तो उनका भी यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, जो कि सिर्फ राजस्थान के उन्हीं को लाभ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी डिटेल है परीक्षा शुल्क के बारे में, आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन की जानकारी दी है आपको, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे आपको आपके जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, फोटो आपको जो फॉर्म भरने की, तो उसके बारे में यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।